हेलो ट्रेडर्स, अभी टाइम हो रहा है लगभग 12:26 और यहाँ पर आप दोनों इंडेक्स के प्राइस को देख लो। बैंक निफ्टी चल रहा है 48,824 पर। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी के हिसाब से मैंने 500 पॉइंट इन द मनी में अगर दोनों स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट की तो यहाँ पर 48,300 का सी आता है और 49,300 का पी आता है। तो यहाँ पर मैं आपको पी भी दिखाती हूँ। यहाँ पर अगर हम पी की साइड में देखें तो पी की जो प्राइस अभी चल रही है वो 45 EMA के नीचे चल रही है। और यहाँ पर अगर हम सी की साइड में देखें तो सी का प्राइस भी यहाँ पर कुछ डिसीजन नहीं दे रहा है, ये भी यहाँ पर 45 EMA के नीचे ही ट्रेड करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि हमें किसी भी साइड में ट्रेड नहीं लेना है। जब हमें ऐसा दिखे कि दोनों स्ट्राइक प्राइस में कुछ गड़बड़ी लग रही है, तो गड़बड़ी का मतलब क्या है कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है लेकिन अप ट्रेंड में कुछ भी मूवमेंट नहीं है, मार्केट अप ट्रेंड प्लस साइडवेज अभी यहाँ पर जा चुका है। तो ध्यान रखना है, ऐसी सिचुएशन में हमें कोई भी ट्रेड नहीं करना है, हमारे स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं।